नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं NCL के क्वेश्चन। ठीक है, जो जो सही क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो से पहले मैं आपको से एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आप लोग अपना जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके, वो सारे हम मुझको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ग्रुप में, या फिर उसके आपके जो एडमिट कार्ड का जो एड्रेस था वो मुझको व्हाट्सअप कर दो या फिर टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज कर दो, जिससे हम लोग एक डाटा कलेक्शन का फॉर्म बनाया गूगल का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके मैं जो टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो आप पहले जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और वहाँ से मैं जो फॉर्म दूँगा वहाँ पर अपना डाटा भर देना। ठीक है, आपका नेम, आपका एग्ज़ाम सेंटर, सिटी, और फिर आपका मार्क्स, फिर उसके बाद आपका कैटेगरी, जिससे हम लोग एक एवरेज जो कट ऑफ होती है मार्क्स की वो पता कर सकें। ठीक है, जिससे सबको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम से किसको आस रखनी किसको नहीं रखनी है, तो इससे आपको ये हेल्प होगी। जितना आप लोग शेयर करोगे इस वीडियो को, उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन कराते हैं NCL के। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। आज हम बात करने वाले हैं NCL एग्ज़ाम के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है उसका राइट सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ओके, तो जो आंसर की आई है उसमें बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हैं, बच्चों को डाउट है कि हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो आंसर बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादातर के तो मैं सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन जैसे कि स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप उसको सॉल्यूशन को चेक कर सकें। ठीक है, तो आपको जितने भी 70 टेक्निकल क्वेश्चन हैं उनके राइट आंसर मिलने वाले। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो आपकी अराउंड मेरे ख्याल से 30 तारीख है, और 12 PM यानी कि दोपहर के 12 रात के 12 नहीं, वो AM लग जाता है, तो ध्यान रखना इस बात का, वो PM यानी कि दोपहर का। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो NCL स्टूडेंट जिन्होंने दिया एग्ज़ाम, तो उनके साथ इसको शेयर करो। ओके, तो चलिए बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, IELTS नंबर 10 mm एंड 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर। देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ, ये वाले क्वेश्चन मैंने हज़ार बार आपको करा दिया होगा, जो मेरी फेज जेई क्विज सीरीज है उसमें, और जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए थे तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिपीट की थी 10 बार एक्सप्लेनेशन में, जहाँ भी सोयल की साइज का बात आती है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका 80 से 4.75 होता है वो आपका ग्रेवल होता है। ठीक है, और 4.75 से 75 माइक्रोन होता है वो आपका सैंड होता है, और 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन होता है वो सिल्ट होता है, और 2 माइक्रोन से छोटा होता है वो क्ले होता है। ठीक है, तो जो 10 and 4.75 है वो इस रेंज में आता है, तो ये क्या है आपका ग्रेवल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए, प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस होती है उनके बीच में जो एंगल होता है वो या तो 45 degrees होगा या फिर 45 + 90 होता है, यानी कि 135। यहाँ पे 45 दे नहीं रखा, यानी कि आंसर है जो आपका वो है बी, 135 degrees, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, आप रीचेक करिए क्वेश्चन को हर एक को, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो जो नंबर होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, रेनॉल्ड नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जितने जो डायमेंशनलेस नंबर है सारे वो आपका डायमेंशनलेस पैरामीटर है, जितने भी जो नंबर है। ठीक है, यानी रेनॉल्ड नंबर इज द राइट आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हॉर्स पंप पावर पूछिए, हॉर्स पावर पूछिए, वाट में पूछिए। सिंपल क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट कितना के बराबर होती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो एक हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होती है, 746 में आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 22380 वाट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है, द वाटर फ्लो फुली थ्रू द रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ लेटरल डायमेंशन 4/3। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल इफ द स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन एंड चेजी कॉन्स्टेंट आर 0.006 and 90। ठीक है, तो चेजी कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो वेलोसिटी है तो उसका फॉर्मला आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मला क्या था, वी इक्वल टू सी रूट
एम एस या फिर आर एस बोलते हैं, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। एम कितना है, एम होता है एरिया बाई पी, ठीक है। एरिया कितना है 4/3, यानी कि 4/3, ठीक है। पी क्या होता है आपका वेटेड पैरामीटर, भाई ये आपकी यहाँ ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया, ये ऐड करोगे तो 10 हो गया, यानी 10, ओके। और आपका उसके बाद ये कितना आता है यहाँ पे, ओके 10 हो गया। और ये कितना है, 6 × 10⁻⁴ कर सकते हैं, यानी कि 6 × 10⁻⁴, ठीक है। कैलकुलेटिव है, लेंदी है, लेकिन जब ऐसे आपको इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा अराउंड 2.41 मीटर। और इसके अप्रॉक्स आंसर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी 2.4 मीटर इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट ऑफ वे इज़ द समीशन ऑफ विड्थ, ठीक है। राइट ऑफ वे में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं कैरिज वे, शोल्डर एंड रोड मार्जिन, ठीक है। मार्जिन भी उसी के अंदर इंक्लूड होता है। राइट ऑफ वे कितना आपका अधिकार है कंस्ट्रक्शन करने का, कितना जो भी कंपनी है या फिर गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पर तो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कितना राइट ऑफ वे उसने खरीद रखा है, कितना अधिकार है गवर्नमेंट का, वो उस रोड को और बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये होता है राइट ऑफ वे अपना, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इवेपोरेशन फ्रॉम अ पॉन्ड इफ द पेन इवेपोरेशन इज 45 mm एंड पेन कॉफिशियंट कितना 0.7। तो 45 में आपको 0.7 का मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर आएगा आपका 31.5, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल इन द डिज़ाइन ऑफ कंटिन्यूस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। तो उसमें जो पैरामीटर होता है आपका वो होता है सरफेस ओवरफ्लो रेट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर उसमें जो आंसर की आपकी मैंने देखी थी कुछ क्वेश्चन के आंसर, तो उसमें गलत दे रखा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले हम लोग, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम इज एल, यानी कि एक कॉलम है उसकी लेंथ एल है, वन एंड फिक्स, एक एंड फिक्स है, मैंने फिक्स मान लिया, ठीक है। अदर हिंज, यानी कि ये पॉइंट हमारा हिंज है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, L/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन उसमें और कोई इसका आंसर दे रखा था इन तीनों में से, ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, L/√2। तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, L/√2, L×√2 नहीं है, L/√2, यानी कि L/√2, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये क्वेश्चन रहेगा अभी, ओके, इसको भी देखते हैं हम लोग। इफ IX and IY आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट X and Y एक्सिस, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, ये तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल इनर्शिया होता है आपका, सॉरी, ओके। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल इनर्शिया होता है आपका, जैसे एक्स है ये वाई है, तो ये आपका जो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब, तो वो क्या होता है, IZ होता है हमारा, IX+IY, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आपका क्या कहता क्वेश्चन, मैं जितने भी क्वेश्चन है इसमें से, जो जितने सब्जेक्ट मैंने कराए थे आपको, उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं, ठीक है, और मैंने कहीं ना कहीं उनको रिपीट करा चुका हूँ आपका फेस जे क्विज सीरीज़ में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वहाँ से भी, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा, और मैंने उसका जो एक्सप्लेनेशन मैं हर बार बोलता हूँ, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर भी गौर करो। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जो मैं क्वेश्चन है उसके आंसर पे गौर करते हैं, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके जो रिमेनिंग ऑप्शन है उस पर गौर नहीं करते, वहीं से आगे फ्यूचर में क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप अगर आपका पक्का है तो उस कॉन्सेप्ट से कितने भी क्वेश्चन बन जाएं आप उसका आंसर सही लगाओगे। अगर आप आंसर को रट रहे हो तो आपके जो फ्यूचर में क्वेश्चन फ्रेम होंगे आप उनके आंसर नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसमें, जो मैंने बोली थी वैसे ही आए हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता हमारा, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होता है, जब आपका डिनोमिनेटर ये नीचे का वैल्यू जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है, जिसका नीचे का वैल्यू ज़्यादा, देखो ये सबका वन है, ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। आपका ठीक है, ये आपका सारा वैल्यू कितना है, ये सबका वन है, तो नीचे की सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिगेस्ट पूछता है तो जिसकी वैल्यू कम होती, कम किसकी है, आपकी एक ही, तो वो राइट आंसर होता, ठीक है। स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, इसमें डिफरेंस होना चाहिए। मैंने आपको जो ड्राइंग के आपको बताया था, ड्राइंग का जो मैंने, वैसे क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन वो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं,
जो मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के स्केल होते हैं, एक एनालाइजिंग, एक रिड्यूसिंग, एक फुल स्केल। तो ये आपका रिड्यूसिंग स्केल का है। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन। तो स्ट्रेंथ की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो हायर होती है किस में, पैरेलल यानी कि जीरो डिग्री। जीरो डिग्री किस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को थोड़ा जो ऑप्शन अच्छे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो शेप ऑफ डायग्राम है वो इस तरह बनता है नदी, ठीक है। तो हमारा जो एंड पॉइंट्स है वहाँ आपकी जो शेयर फोर्स है वो मैक्सिमम होता है, और जबकि बात करें सेंटर पे वो मिनिमम होता जाता है और कहीं ना कहीं जीरो भी हो जाता है। ओके तो हम क्या करते हैं, जितना आपका शेयर फोर्स ज़्यादा होगा उतनी पास पास स्पेसिंग रखते हैं, और सेंटर की ओर कम होता जाता है तो उसके बीच में स्पेसिंग बढ़ाते जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, यानी कि सेंटर की ओर बढ़ते जाते हैं तो स्पेसिंग को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, जिससे हमारा जो सेक्शन है वो इकोनॉमिकल हो, जो कि हमारा काम होता है स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में। ओके यानी कि ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। क्या बोला था इस क्वेश्चन ने, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन अ रेक्टेंगुलर बीम। अगर आप रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें जो स्पेसिंग है वो कहाँ बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन पढ़ देता हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है दिमाग में इसके लिए। ओके वरना तो ऑप्शन नंबर डी एक सीधा साधा आंसर है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, कीप कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है, वेरिएशन होता है। बी को देखते हैं, डिक्रीज टू आर द सेंटर ऑफ द बीम, तो टू आर द सेंटर ऑफ बीम डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी यानी कि पास पास आ रही है, पास पास आ गई तो वहाँ पे हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि सेंटर तो जो हमारा शेयर फोर्स है वो मिनिमम है, तो ये तो गलत हो गया। और इंक्रीज एट द एंड, इंक्रीज अगर एंड कर देंगे हम लोग तो लेकिन वहाँ पे तो शेयर फोर्स हमारा मैक्सिमम है ना, तो वहाँ पे हम तो हमको स्पेसिंग कम रखनी है जिससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके हमको शेयर में, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, यानी कि सेंटर पे हम लोग स्पेसिंग बढ़ा देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमको नीड नहीं होती है। ओके यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एंड सैंड कॉज ग्रेट वेरिएशन। अगर आप कोई भी सैंड यूज़ कर रहे हो कंक्रीट में तो वो किस किस पैरामीटर को अफेक्ट करती है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट करती है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट करती है, ये भी ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट ये भी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो एरर होती है, ठीक है, वो होती मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू अगर मान लो मेरी चैन 20 मीटर की है और वो बढ़ के टेम्परेचर हीट के कारण वो 20.1 की होगी, मेरी कितने की होगी भाई, हमारी मेरी वो कितने की हो गई, 20.1 की हो गई, है ना, 20.1 की हो गई। तो मैं मेजर क्या कर रहा हूँ, मैं तो मुझे तो पता है भाई कि 20 की है, ये ट्रू वैल्यू कितनी है, वो 20.1 है, यानी कि वो ज़्यादा है। और एरर हमारी क्या होगी, नेगेटिव हो गई। अगर एरर नेगेटिव है तो मेरा करेक्शन कैसा होगा, करेक्शन होगा पॉजिटिव, ठीक है, करेक्शन कैसा होगा फिर मेरा पॉजिटिव। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द करेक्शन। अब यहाँ पर करेक्शन पूछा है, एरर नहीं बोल रहा, ठीक है। और मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सर्वे में जो आपकी फेस जेई क्विज सीरीज है और या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन दोनों में से कहीं ना कहीं करा चुका हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट में आपको। ओके तो ये क्या बोलता है, कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करना, ठीक है। अब कम हो रहा ज़्यादा हो रहा वो हम देखते हैं। फॉर द टेप ऑफ लेंथ एल इफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टी, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है तो लेंथ में भी इंक्रीमेंट होगा, सीधी बात है, ठीक है। अब ऑफ द स्टैंडर्ड पैरामीटर, यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहा है, जो हमारा पैरामीटर इसमें इस केस में क्या टेम्परेचर है। द कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर फॉर टेप मटेरियल, तो कोफिशियंट द कोफिशियंट ऑफ द टेप मटेरियल इज ए, तो आपको क्या बताना है, करेक्शन बताना है, ठीक है। तो करेक्शन क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, एल की जगह क्या आएगी आपका कैपिटल एल है, अल्फा डेल्टा टी, ये तो ठीक है आने वाला है, लेकिन वो प्लस आएगा माइनस आएगा। देखो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो एरर क्या है, नेगेटिव, एरर नेगेटिव है तो करेक्शन क्या है मेरा पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो आपका ये आंसर तो बहुत से बच्चों को कमेंट इसी में था कि ये वाला थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो आपका ये पूरा क्लियर हो गया। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार रिपीट किया इसको, ठीक है, बहुत एग्जाम में आता है। द वैल्यू ऑफ होल सर्कल बेयरिंग कितनी होती है, 0 to 360, और क्वाड्रेंट या फिर रिड्यूस बेयरिंग की बात करें तो 0 to 90 होती है। ओके यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कराया मैंने, सेंसिटिविटी वाला, और आपको बताया भी था मैंने, ठीक है, ये मैंने फेस जेई क्विज सीरीज में कराया आपको। ओके क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोर्स सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब। और सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब किसके रेस्पेक्ट में चेंज होती है,
क्यों होती है, ठीक है। ऑप्शन ए को देखते हैं, सेंसिटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इंटरनल रेडियस एज इट इज, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है फेस जी क्वेश्चन में, उसको आप एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है। बी को देखते हैं, सेंसिटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाया ऑफ द ट्यूब, ये भी गलत है। सेंसिटिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन लेंथ ऑफ ट्यूब, ये भी गलत है। सेंसिटिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज कॉपी एंड पेस्टेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कॉपी एंड पेस्टेड। उसमें भी मुझे याद है ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर था और सेम ऑप्शन थे, ओके। तो आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं जो मैंने क्विज सीरीज वाले हैं, फेस जेई क्विज सीरीज या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनको देखिएगा, ठीक है, देखिएगा और उसमें से चेक कीजिएगा कि आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन अगला, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, ठीक है। अगर हम लोग टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं तो राइट सीक्वेंस क्या होता है? राइट सीक्वेंस होता है हमारा सेटिंग करते हैं, फिर सेंटिंग करते हैं, देन लेवलिंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका सी है वो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द एडवांटेज ऑफ अ कंक्रीट पाइल ओवर अ टिम्बर पाइल। तो कंक्रीट पाइल अगर हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ टिम्बर पाइल की जगह, तो उसका एडवांटेज क्या होता है? नो डिके ड्यू टू टर्मिट्स, ठीक है भाई, सीधी बात है, उसमें दीमक नहीं लगेंगे अगर वो कंक्रीट है, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन लेंथ, सिंपल बात है, क्योंकि पेड़ की लेंथ को आप एनलार्ज नहीं कर सकते, टिम्बर एज अ फिक्स है, ठीक है, उनको एनलार्ज नहीं कर सकते आप, तो ये भी ठीक है। हायर बेयरिंग कैपेसिटी, यस, बेयरिंग कैपेसिटी उसके कंपैरिजन में हायर होती है कंक्रीट की अपनी, तो ऑप्शन डी ऑल आर द करेक्ट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाया ऑफ ड्रॉपलेट इज 0.075 mm, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें पूछा? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, डाटा mm में दिया, पूछा किसमें? सेंटीमीटर में, ठीक है, ओके। डेवलप्ड इन द ड्रॉपलेट बाय सरफेस टेंशन, कितना? इतना दे रखा है, सिंपल आपको घुमाने का ट्राई किया है, डिजिट्स को इस तरह शो किया कि आपको लगे क्या ही बवाल डिजिट है, क्या ही बड़ा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला क्या होने वाला है? फॉर्मूला होगा आपका 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी, ठीक है। 4 into सिग्मा की वैल्यू कितनी देर की है आपका, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, 4 0 0 2 इधर आई, तो 75 into 10 to the power -6 और ये आएगा 75 into d, है ना, डाया रेडियस नहीं है, डाया दे रहेगा, ठीक है, 10 to the power -3, तो 75 कैंसिल, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और -6 में से +3 ऐड करोगे तो -3 बचेगा, यानी कि जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो बचेगी 4 into 10 to the power -3 न्यूटन पर mm square, ओके। अगर आप इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 1 मीटर में आपका होते हैं 100 सेंटीमीटर, और एक आपका सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, ठीक है, यानी कि 10 to the power -2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब 10 to the power -2 ऊपर जाएगा, 10 to the power -2 ऊपर जाएगा, तो -3 + 2 होगा, -3 + 2 कितना बचेगा? -1 बचेगा, यानी कि क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास? 4 into 10 to the power -1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, -1 यानी कि 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, मैंने जो आपके दो होते हैं, एक लेटरल के लिए कोएफिशिएंट होता है, एक लीनियर के लिए होता है, तो मैंने आपको दोनों की रेंज बता रखी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्रेक्शन एज पर IRC। तो देखो, लेटरल के लिए होता है 0.15, वहीं अगर लीनियर बोल देता तो वो रेंज होती है 0.35 से लेकर 0.4 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे लेटरल की जगह लीनियर बोल देता तो क्या आंसर होता? ऑप्शन नंबर डी हो जाता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम लिमिट ऑफ PPM ऑफ DO दैट मस्ट बी इन वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ। तो उसके लिए क्या आंसर? ऑप्शन नंबर 4, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 4 PPM होनी चाहिए मिनिमम, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा, स्ट्रीम हैज फ्लो ऑफ 20 क्यूमेक्स, ठीक है, यानी कि 20 क्यूमेक्स आपका, एंड BOD कंसेंट्रेशन कितना है? 10 mg per liter, रिसीव द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हैविंग फ्लो ऑफ 1.5 क्यूमेक, ठीक है। BOD की कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है? 250 mg per liter,
वट इज द बी ओ डी कंसनट्रेशन ऑफ द स्टीम एट डाउन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ द स्टीम विद इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड कर देते रिवर में तो उसका डाउन स्ट्रीम पे उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी बी ओ डी की। तो उसका फॉर्मूला सिंपल क्या है, आप 20 का करोगे इसमें कितना 10 में प्लस आपको करना है 250 का इंटू आपका किस में 250 का किस में करना है 1.5 में डिवाइड करना है 20 प्लस 1.5 एक फॉर्मूला होता है। तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 26.74 यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके लिए आपको पूरा एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा इसका टॉपिक, ठीक है। पूरा समझा नहीं पाऊंगा मैं उसको जिस तरह सर्वे का समझाया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपके लिए बोनस होने वाला, आप इस पर क्लेम कीजिएगा क्योंकि इसमें जो डिटेल्स है वो गलत हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर नहीं है, क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग पहले। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अ मटेरियल विच ओबेस हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है। आपका ये जो स्ट्रेस होता है ये सिग्मा तक वैलिड है आपका स्ट्रेस, ठीक है। ये स्ट्रेन आपकी ये स्ट्रेस है, ओके। एट इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो स्ट्रेस जो स्ट्रेन होती है इलास्टिक लिमिट तक वो स्ट्रेन जो सॉरी आपका स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेस बाय इलास्टिक मॉडुलस होती है। तो ये तो राइट आंसर है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है आपकी जो स्ट्रेस तो होती है मैग्जिम शेयर स्ट्रेस, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगर स्ट्रेन बोलता तो समझ में आता, जहाँ स्ट्रेस ही पूछी है स्ट्रेस के टर्म में, तो ये तो गलत आंसर है, ठीक है। और आपका जो सी है वो भी गलत है क्योंकि सिग्मा स्क्वायर अपन टू इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर अपन टू सिग्मा अपॉन ई का होल स्क्वायर समझा जाएगा, तो ये मिस प्रिंटिंग कुछ भी हो लेकिन ये गलत हो गया, यानी कि डी तो वैसे ही गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। या फिर उनको क्वेश्चन ही पर सबको बोनस देना पड़ेगा या फिर उनको जो ऑप्शन नंबर ए है वो उसको राइट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आप क्लेम कर सकते हैं आराम से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। शाफ्ट हैज अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ एम एंड टॉर्क टी सिमल्टेनियसली, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो बेंडिंग कितनी होती है मैक्सिमम 32 m/πd³ और शेयर कितनी होती है आपकी 16 t/πd³। तो ये आएगा 2 m/t, 2 m/t यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन, तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए कितना होता है 2.34, ठीक है। कितना होता है 2.34। अगर हम वही बात करें आपका रेक्टेंगुलर के लिए जो सॉरी डायमंड के लिए तो वो होता है आपका 2, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपको डाटा याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द एग्रीगेट इज कम्प्लीटली पास थ्रू अ सीव ऑफ 75 mm एंड रिटेन ऑन अ सीव ऑफ 60 mm, द एग्रीगेट विल बी नोन एज इलोंगेटेड एग्रीगेट इफ लेंथ इज नॉट लेस देन। तो इलोंगेटेड के केस में जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, फ्लैकी के केस में कितना होता है 0.6, इलोंगेटेड के केस में होता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज। एवरेज कितना है 75 + 60 का एवरेज, एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी कितनी है कि 121.5 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्यूरिंग अ क्वेश्चन है हमारा सॉरी क्यूरिंग अ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर। तो हम लोग क्यूरिंग किस पर्पज से करते हैं, क्या हमारा पर्पज रहता है। तो ऑप्शन ए कहता है वॉल्यूम स्टेबिलिटी, हाँ श्रिंकेज ना हो, ठीक है, स्वेलिंग श्रिंकेज के पर्पज से, ठीक है। बी है स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए उसको वाटर की नीड होती है जिससे वो रिएक्शन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है हमारी उसके लिए रिएक्शन डेवलप कर पाए, ठीक है। सी वाटर रेजिस्टिव, यस ये भी होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड यूज्ड। और स्टैंडर्ड सैंड कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि स्टैंडर्ड सैंड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि किस जगह से हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड सैंड है वो इंडिया के किस जगह से मिलती है, उसका नाम बताना है आपको पर्टिकुलर, ठीक है। यूज इन सीमेंट मोटर वाइल टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, तो वो रेशियो कितना होता है 1:3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ अ स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पानिंग टू डायरेक्शन। सिंपली सपोर्टेड है और टू डायरेक्शन है, टू डायरेक्शन यानी कि टू वे है, टू वे के केस में कितना होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए
35, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, ये भी करा रखा है, ठीक है। द डाई ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ आरसीसी कॉलम शुड बी नेवर लेस देन, तो कितना होता है मिनिमम 12 mm होता है, मैंने हर बार बताया आपको 12 mm, ठीक है। ये इसका आंसर गलत दे रखा है आपके आंसर बुक में, ठीक है, जो आपकी आंसर किया है उसमें गलत दे रखा है। तो इसके जो तीनों केस हैं मैं वो आपको समझा दूंगा अभी, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। फॉर एस्टिमेशन ऑफ अ पेंटेड एरिया ऑफ कॉरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द पेंटेड इज, तो अगर आपका कॉरुगेटेड है तो उसमें आपका इंक्रीज होता है 14%, अगर एस्बेस्टस है प्लस कॉरुगेटेड है तो आपका 20%, एस्बेस्टस है प्लस सेमी कॉरुगेटेड है तो 10%, क्योंकि यहाँ पे कॉरुगेटेड है और एस्बेस्टस सीमेंट है, यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर सी 20% इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इन क्यूबिक मीटर फॉर अ कैनाल एम्बैंकमेंट ऑफ 100 meter लॉन्ग, यानी कि कैनाल है आपकी, ये 100 meter लॉन्ग है आपकी, ठीक है, और टू सेक्शन कितना 20 का है और 80 का है, यू ट्रिपेजॉइडल मेथड यूज़ करना है, यानी कि आपको किस तरह कैलकुलेट करना है, आपका डी बाई टू यानी डिस्टेंस बाई टू ए वन प्लस ए एन, ठीक है, तो आपका ए वन कितना है 100, आप किस तरह होगा आपका यहाँ से 100 डिवाइड बाई टू, ए वन कितना, ए वन आपका है आपका 20 और ए टू कितना है 80, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 5000, ठीक है, इट इज़ द राइट आंसर, ओके। और ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला ही पूछ डाला है इन्होंने, तो ट्रेपेजॉइडल का जो फॉर्मूला है वहीं पूछ डाला है, आगे चल के हम लोग देखेंगे उसको, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे जो स्पेस है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ लेकिन आपके लिए, द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज बाय फ्रॉम 0.1 newton per meter square टू 0.26 newton per meter square एंड 0.07 newton per meter square टू 0.15 newton per meter square इन द ट्राइगल टेस्ट, द स्कैम्प्टन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर इज, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, और आंसर है वो आपका राइट क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 0.5 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड, देखो कंटिन्यूटी किस पे बेस है, मास कंजर्वेशन पे, आपकी बर्नौली किस पे है, आपकी आपकी उस पे बेस्ड है, आपकी एनर्जी पे, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने एनर्जी लगा दिया, लेकिन राइट जो आंसर है वो क्या है आपका, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सेक्शन अबाउट इट्स एक्सेस इज आई एंड इट्स इफेक्टिव लेंथ, जो इफेक्टिव सेक्शन एरिया इज ए, इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन, तो आई इजक्वल टू ए आर स्क्वायर होता है, आर निकालोगे तो रूट आई बाई ए आएगा, ठीक है, आई बाई ए किस में देख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द फ्लैक इंडेक्स, ठीक है, इलोंगेटेड से तो पूछ लिया, फ्लैकी से भी पूछ लिया, यानी कि दोनों पोर्शन कवर कर लिया उसने, ठीक है। फ्लैक इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल इट शुड बी थिकनेस इज लेस देन, तो वो कितना होता है 0.6 होता है, 0.6 किसका, मीन साइज का, 0.6 यानी कि 3/5 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द रेडियस ऑफ अ बार बेंड फ्रॉम अ हुक शुड नॉट बी लेस देन, तो वो कितना होता है मिनिमम 4/5, कितना होता है 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। 39 को देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट विच हैज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज ऑफ पी, अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम हो या फाइनल सेटिंग टाइम हो, सेटिंग टाइम के केस में हम लोग कितना यूज़ करते हैं 0.85 P, ये कंसिस्टेंसी यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूँ तो 25-30% कंसिस्टेंसी होती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला ही पूछ लिया है, ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी बाई टू, ठीक है, ए वन प्लस ए एन यानी कि लास्ट वाला प्लस टू इंटू ऑल, ठीक है, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर
जो ए है वो राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमको जो लेंथ दे रखी है और जो इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस है, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चलता है डाटा, वो एच दे रखा है, तो एच तो पहले आएगा, तो एच ए और बी में से होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग ए को देखें तो यहाँ पे किस तरह सॉल्व होगा, ए वन प्लस ए फोर डिवाइड बाय आपका टू प्लस रिमेनिंग जो भी है एक्स मान लेते हैं हम उसको, तो टू का इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये बाहर निकल के आएगा एच बाई टू हो जाएगा, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था वो पर्टिकुलर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, और तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब जो मकसद है इस वीडियो का वो आपको जल्दी जल्दी आंसर प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो जिसका आंसर है वो है 6.78, ठीक है, क्या इसका आंसर 6.78 किस तरह होगा आपका, सिंपल करना है पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक है। आप सोचोगे कि इतना इस बार में से घटाएंगे, इस बार में से घटाओगे भी अगर आप लोग, तो आपका जो आंसर आएगा वो 6.77 समथिंग आएगा, जो अप्रोक्स है किसके, बी के, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होने वाला है इसमें, ठीक है। क्या करना है, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, डाया कितना 1.2 और लेंथ कितनी आपकी 6 मीटर की लेंथ है, और डी की जगह 1.2 मीटर में आएगा, और इसमें भी आप क्या कर दोगे, पाई बाई फोर इंटू 25 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे उसका स्क्वायर, इंटू नंबर बाय बार कितना 8, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि इसकी भी लेंथ 6 भी होगी, और कैलकुलेट करोगे तो आपका आपका आंसर 6.77 समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अ वॉल ऑफ विड्थ 300 mm कंटेन्स टू टी जंक्शन, एक टी जंक्शन में कितना कट करते हैं हम लोग, हाफ, टू टी जंक्शन यानी कि प्लस की बात करती, प्लस की कंडीशन में कितना कट करते हैं हम लोग लेंथ में, सेंट्रल लेंथ में आपका 1 विड्थ कट करते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 3 मीटर, यानी कि हाइट से हमको कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि 3 मीटर होने वाली है भाई, चलो। टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन कितने, 150, अब 150 आपकी कितना 150, इसमें से आपको माइनस कर दोगे आपका 0.3 mm, ठीक है, और थिकनेस कितनी रहेगी आपकी, क्योंकि थिकनेस से माइनस करनी है, थिकनेस कितनी है 300 mm, 300 mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 mm आएगा, और इसी में आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी थिकनेस का कितनी है आपकी, वो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि क्यूबिक मीटर में पूछा है, तो 0.3, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरे को तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 134.73, ठीक है। देखो कैलकुलेशन लेंदी थी, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फोर एस्टिमेशन फॉर द मेजनरी वर्क एंड एक्सकवेशन वर्क एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एज कम्पेयर टू थिकनेस, तो जो लेंथ है एज कम्पेयर टू थिकनेस वो क्या होती है हमारी, वो क्या होती है हमारी, वो होती है लेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, द फोर बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द बैक बेयरिंग, देखो फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग में डिफरेंस कितना होता है 180, 180 होता है, अगर 180 से कम है तो हम लोग उसमें एडिशन करते हैं, 180 से ज़्यादा है तो सब्सट्रैक्शन करते हैं, 30 180 से कम है, 30 180 से कम है, 30 प्लस 180 इनका एडिशन कितना आना, 210, सीधा फटाक ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, नो डाउट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं सर्वे में बहुत बार करा चुका है, बहुत बार करा ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इतना लेंदी आपको लग रहा हो, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है, जितना लेंदी उतना सिंपल, ठीक है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इफ द स्टाफ रीडिंग इज 1.4 मीटर एंड 2.9 मीटर, यानी कि ये 2.9 है, ये 1.4 है, इस तरह दे रखा है, विच करस्पॉन्डिंग टू लोअर, यानी कि ये आपकी लोअर वाली हो गई, ठीक है, लोअर एंड अपर, और यह वाली अपर वाली हो गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ क्रॉस हियर, द लेंस ऑफ टेलीस्कोप ऑफ द टैकोमीटर इज एनालिटिक, एनालिटिकल बोल दिया वहीं पर पूरा गेम हो गया। अगर आपको पता हो तो एनालिटिकल के ये फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू होता है आपका के एस प्लस सी, तो वो होता है आपका 100 एस, 100 तो फिक्स रहेगा, एस क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला आपका, वो आएगा 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 में आपका 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, वो आएगा आंसर नंबर आपका सीधा राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ़ द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल आर कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर, एयर है यानी कि वो ड्राई है, यानी कि वाटर नहीं है,
ड्राई यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ड्राई सॉइल। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ अ पार्टिकल साइज रेंज। ऑप्शन नंबर ए है स्लोप ऑफ ग्रेडेशन ऑफ कर्व, तो ये गलत आंसर है, ठीक है। बी है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि कोफिशिएंट यानी कि सी यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर सोइल हैविंग एन इंटीग्रल एंगल ऑफ फ्रैक्शन 30 डिग्री। तो आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट बताना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि के ए इजक्ल टू 1 माइनस साइन 30 यानी कि sin 5 यानी कि 30 अपन 1 प्लस साइन 30, ठीक है ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको। तो 1 माइनस अपन 1 माइनस 2 1 प्लस 1 बाई 2, ठीक है यानी कि आपका 1 बाई 2 और ये 3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 1 बाई 3 यानी कि 1 बाई 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसमें, स्टोक में, ठीक है स्टोक में, और आपको आप स्टोक की जो यूनिट है सीजीएस में और आपका जो एमकेएस में उसमें रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ऑफ द फ्लूड इफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज 0.5 पॉइज, यहाँ भी उसने सीजीएस में दे रखी है, ठीक है। इसकी सेंटीपॉइज भी यूज़ कर सकता था, पॉइज की जगह सेंटीपॉइज, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.4। पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, यूनिट को तोड़ना आना चाहिए, क्या यूनिट को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल लगाना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक अपॉन डेंसिटी। डायनेमिक कितना रखा है आपका 5 × 10⁻¹ यानी कि 0.5 को इस तरह लिख सकता हूँ 10⁻¹, ठीक है। लेकिन मैं उसको कन्वर्ट करूँगा उसकी एमकेएस में, तो कितना कर दूँगा 10⁻¹ और से गुणा कर दूँगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10⁻², ठीक है। डेंसिटी हमको चाहिए, डेंसिटी नहीं पता लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता है 0.4, तो कितना हो जाएगा 0.4 × 10⁻³, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 10⁻³, जी कितना 0.4, गुणा कर दोगे डेंसिटी ऑफ फ्लूड निकल आएगी, ठीक है। तो ये तो इतना आ जाएगा 10⁻², जो 2 है, और ये आएगा 10⁻³, तो 5/4 कितना आएगा 1.25 × 10⁻¹ के आपके आएंगे ये पॉइंट, आप यहाँ से हटाओगे इसको क्योंकि पॉइंट है, तो आपको ये 0 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 4 होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो और 1:2 कितना होता है, 1:2 होता है आपका 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर 1 cm² per second, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा फिर आपका 1.25 stokes, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन विच टाइप ऑफ फ्लो लॉसेस आर मोर, जितना लॉसेस मोर किस्म होंगे, जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा, जितना ज़्यादा मूवमेंट कितना करेगा अननेसेसरी, उठपटांग मूवमेंट कौन करता है, टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर डे इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आपका वेंचुरी मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो डिसइंफेक्शन हम लोग किस पर्पज से करते हैं, हम लोग बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ये भी मैंने करवाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन से, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक नहीं, ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज, तो पॉइजन रेशियो किससे होता है, लेटरल टू लीनियर स्ट्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके 4 को देखते हैं, 54 को,
विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फ्लैट सरफेस। सो फ्लैट सरफेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, पानी का ठहराव यानी कि स्टेगनेटिंग ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको देखना है कि स्टेटमेंट को, द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज जीरो एट इट्स न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट आउटर स्ट्रेसेस आउटर फाइबर। तो बेंडिंग स्ट्रेस इस तरह बनता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है ठीक है, और यहाँ पे आपका जीरो है सेक्शन पे एन ए पे। द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट आउटर फाइबर्स एंड मिनिमम ठीक है, शियर स्ट्रेस इज जीरो एट आउटर फाइबर ठीक है एंड मैक्सिमम एट एन ए, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरह बनता है। द बेंडिंग स्ट्रेस एट आउटर फाइबर इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर यहाँ पे बात करें तो शेयर स्ट्रेस जीरो होती है, तो नॉर्मल स्ट्रेस बची कौन सी होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देर इज़ नो बेंडिंग स्ट्रेस इन ट्रस, ये हम अजम्पशन मानते हैं ठीक है। ऑप्शन ए को देखते हैं, अजम्पशन मेड, बी क्या डिज़ाइन, सी क्या मटेरियल, डी क्या नन ऑफ दिस। देखिए नथिंग इज़ आइडियल, जो इंजीनियरिंग में हम लोग करते हैं वो सिर्फ एक अजम्पशन होता है, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं अजम्पशन मानते हैं, यानी कि अजम्पशन मेड ही। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंचमार्क नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिड्यूस लेवल, यानी कि आर एल ई। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल इज डिफाइन है। तो वो क्या होती है आपकी, एम इजकल टू ए बाई पी, ए क्या है आपका वेटेड एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जितने पानी में भरा है, और पी क्या वेटेड पैरामीटर। ए को देखते हैं एरिया टू डेप्थ, तो ये तो गलत है ठीक है, डेप्थ होते ही नहीं है, एरिया टू वेटेड पैरामीटर ऑफ द चैनल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटी व्हीकल पर आवर ठीक है फोर ऑफ द रोड व्हेन रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 2 सेकेंड, द डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 6 मीटर ठीक है। और क्या करना है, टेक ऑप्शन ऑफ फ्रैक्शन एज 0.35। देखो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा कि क्या है कैपेसिटी, पूछिए कैपेसिटी क्या होती है, 1000 वी बाय एस ठीक है, वी कितना आपका 80, यानी कि 1000 इंटू 80 मल्टीप्लाई करना अपॉन एस। अब एस कैसे कैलकुलेट करना है उसको मैं आपको बताता हूँ ठीक है। तो एस क्या हमारा, एस ये हमारा एस एस डी प्लस एल, एल कितना हमारा 6 मीटर, तो ये तो 6 मीटर हो गया। एस एस डी किस तरह निकालना उसको देखते हैं हम लोग ठीक है, वी प्लस ये वी टी इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफ, 0.278, वी कितना है आपका 80, टी कितना है 2 सेकेंड, 80 का स्क्वायर वी स्क्वायर यानी कि, और 254 एफ की वैल्यू कितनी लगी 0.35। जब आप पूरा इस डाटा को कैलकुलेट करोगे जो मैंने आपको बताया जैसे इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, लेंदी कैलकुलेशन, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो बी है 653 point something ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड क्लोरिनेशन ऑफ वाटर अबव द ब्रेकिंग पॉइंट। सिंपल बात है, ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है यानी कि एक्सेस में हो रहा है, लेकिन इसका आंसर एक्सेस ही नहीं है, इसका आंसर आपका सुपर क्लोरिनेशन, जब ज़्यादा कर देते हैं ब्रेक पॉइंट से ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे एस्टिमेट के उसमें ये कराया भी था और एक्सप्लेन भी किया था ठीक है, और जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया तो उसी तरह सवाल आ जाए। तो क्वेश्चन तो कहते हैं, इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस, यानी कि ये आपकी वॉल है तो आप सेंटर टू सेंटर लेंथ लेंगे, माइनस करेंगे हाफ इसकी हाफ इसकी, हाफ आप बोला नहीं बोला उसको देखते हैं, हाफ विड्थ ऑफ वॉल
तो वन वॉल की थोड़ी करेंगे, हर एक की करेंगे, तो हाफ विड्थ तो वन साइड की हो गई मतलब, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, वन फोर्थ होता ही नहीं है, ये गलत हो गया, ट्वाइस तो है ही नहीं, ट्वाइस तो होता ही नहीं है, तो बचा क्या विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ वॉल यानी कि हाफ इसकी और हाफ इसकी, तो कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। ये किस केस में माना, जब हम लोगों ने जो विड्थ है दोनों वॉल की सेम मान ली है, ये एजम्पशन मान लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, और इसी तरह मैं आपको बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द स्केल इन विच थ्री सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर्ड, तो वो सिंपल आपको पता है, तो उसको बोलते हैं मतलब डायगोनल स्केल, तो तीन डायमेंशन उसमें मेजर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, द एम ओ आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी यानी विड्थ बी डेप्थ डी अबाउट सी जी विच इज पहले टू इट्स विड्थ इज, तो वो क्या है बी डी क्यू डिवाइड बाई ट्वेल्व, बी डी क्यू डिवाइड बाई ट्वेल्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं आपको। इफ़ द यंग मॉडल्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज ट्वाइस ऑफ रिजिडिटी देन पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल, तो ई क्या होता है हमारा 2g 1 प्लस म्यू, ई कितना है हमारा 2g के बराबर इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, 2g 2g कैंसिल यानी कि 1 इक्वल टू 1 प्लस म्यू, 1 कैंसिल म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि आपका नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द सॉइल पोजेस जीरो प्लास्टिसिटी, जीरो प्लास्टिसिटी किस में करेगा जो कोर्स ग्रेन होगा, कोर्स ग्रेन कौन है इनमें से, तो कोर्स ग्रेन कौन है इनमें से, कोर्स ग्रेन है आपका सैंड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता हमारा, कॉलम फुटिंग इज प्रोवाइडेड, हम लोग कॉलम फुटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू स्प्रेड द कॉलम लोड ओवर अ लार्ज एरिया, ये सही है, टू इंश्योर दैट द इंटेंसिटी ऑफ द बेयरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉलम फुटिंग एंड द सॉइल डज नॉट एक्सीड परमिसिबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो ये भी सही है, सी देखते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड ओवर द सॉइल थ्रू द कॉलम फुटिंग, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल आर द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सूटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक, तो उसके लिए हम लोग कौन सी ब्रिक यूज करते हैं, मॉड्यूलर ब्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो 50% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन अफेक्ट करता है, C2S यानी कि डाइकैल्शियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर, इनिशियल बोल देता है तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट हो जाता है, यानी कि C3S यानी कि डी हो जाता है उस केस में, लेकिन इस केस में क्या है ए है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो क्योंकि मैं इसमें टेक्निकल ही करवा रहा हूँ आपको, अगर आप लोग बोलोगे तो नॉन टेक का जो है मैं वो भी करवा दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग इस टेक्निकल को ही देखते हैं लास्ट है ये। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, तो हमको ट्रू बताना है, तो मैं बता दूं कि ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है, पहले बता देता हूं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए, अ गैप ऑफ 0.3 मीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन द सीमेंट बैग एंड वॉल वाइल स्टोरिंग सीमेंट, तो ये भी गलत है। बी को देखते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है, अ गैप ऑफ 0 यानी कि 100 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल वाइल स्टोरिंग सीमेंट, तो ये भी गलत है, यानी कि बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग आंसर, यानी कि डी जो कि नन ऑफ दीज है एक करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका 70 क्वेश्चन थे टेक्निकल के आपके एनसीएल के, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी इन क्वेश्चंस को चेक करके उनके लिए जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है उनको भेज सकें एनसीएल वालों को। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मैं आपको बता दूं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरी ओर से फंसे हैं, सीधा एडजेक्टिव कॉपी एंड पेस्टेड। ओके, तो अब जो SSC का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें भी आप गौर कीजिएगा, जो मेरी फिज जी की सीरीज है खासकर उसको तो देखिएगा ही, आप उसको तो छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। और जो मैं SSC के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।